महाराष्ट्र में कोरोना का कहर कायम है। रविवार के दिन भी महाराष्ट्र में कोरोना ने 40,000 का आंकड़ा पार कर लिया। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 41,327 नए केस सामने आए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई की मशहूर गायिका लता मंगेशकर की कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद परिवार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। कोरोना के अलावा इस समय लता मंगेशकर निमोनिया से भी पीड़ित हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर है। मुंबई में 15 जनवरी के बाद और दिल्ली में अगले हफ्ते से कोरोना के मामले कम होने लगेंगे। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने यह दावा किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी टीकाकरण गाइडलाइन के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान का एक साल पूरा हो गया है। देश में करीब 157 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बधाई दी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए स्कूली शिक्षा के ढांचे में बदलाव की जो सिफारिशें की गई थी उन सभी पर अमल तेजी से शुरू हो गया है। इनमें से जो अहम बदलाव है वो स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को 10+2 के पैटर्न से निकालकर 5+3+3+4 के पैटर्न पर ले जाने का है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 271,202 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन पहले 268,000 केस मिले थे। लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं देश में कोरोना के मामले। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। खासदार उदयन राजे भोसले अपने अलग स्टाइल को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार भोसले जी पर भी चढ़ा पुष्पा का खुमार। पुष्पा दराइज फिल्म के गाने पर झूमते नजर आए। अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के थाने के भिवंडी इलाके के काजी कंपाउंड में बंद पड़े कपड़े के एक कारखाने में भीषण आग लग गई।